हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत और आज हम समझने वाले हैं कि सी शार्प में इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या होता है। सॉलिड प्रिंसिपल्स में ये तीसरे नंबर पे आता है। अगर आपको सॉलिड प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन या सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल या लिस्कोप प्रिंसिपल समझना है तो मैं क्या काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा एंड देन आप वहाँ पर समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हमें दो पॉइंट बताता है। फर्स्ट वन इज जो क्लासेस होती है ना वो किसी ऐसे मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स नहीं करनी चाहिए जिसको वो यूज़ नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट बोलता है कि हमें ना फैट इंटरफेसेस नहीं बनानी चाहिए। फैट इंटरफेस का मतलब होता है कि हमें किसी एक इंटरफेस में बहुत सारे मेथड्स नहीं डिफाइन करने चाहिए। उसकी बजाय हमें क्या काम करना चाहिए, छोटे छोटे मैथड्स के ग्रुप्स, यानी कि छोटे छोटे हमें इंटरफेस बनाने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस तरीके से क्लासेस सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करती हैं, सेम वे में इंटरफेस को भी सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कोई भी क्लास किसी ऐसे मेथड को इंप्लीमेंट ना करे जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है। अब हम क्या काम करने वाले हैं, हम इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। तो हम दो काम करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें हम ISP इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देन हम क्या काम करने वाले हैं, फिर ISP को यूज़ करेंगे और फिर समझेंगे कि इसको यूज़ करने से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसका हमें सॉल्यूशन मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं आपको कोड पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ISP पे जाएंगे। ठीक है, ISP में मैंने दो क्लास बनाई है, एक क्लास बनाई है एग्जाम्पल विदाउट ISP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम किया मैंने, यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बना दिया जिसका नाम है आई प्रिंटर टास्क। ठीक है, और उसके अंदर चार रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मैंने चार मेथड डिफाइन कर दिया। तो पहला मेथड है प्रिंट, दूसरा मेथड है स्कैन, तीसरा मेथड है फैक्स एंड देन फोर्थ मेथड है प्रिंट डुप्लेक्स। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जो भी क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी, ठीक है, तो इनहेरिटेंस का रूल है कि उस क्लास को इंटरफेस के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज कीजिएगा हमारे पास दो प्रिंटर है, एक है हमारे पास HP लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है, एंड देन सेकेंड है हमारे पास लिक्विड इंक जेट प्रिंटर। तो मैंने क्या काम किया, ये दोनों प्रिंटर्स की अलग अलग क्लास बना ली। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो हमारा HP लेजर जेट प्रिंटर है ये चारों के चारों टास्क को परफॉर्म करता है। ये प्रिंट भी करता है, स्कैन भी करता है, फैक्स भी करता है और डुप्लेक्स को भी प्रिंट करता है। तो हमने क्या काम किया, HP लेजर जेट प्रिंटर क्लास के अंदर मैंने आई प्रिंटर टास्क इंटरफेस को इनहेरिट किया और जैसे मैंने इसको इनहेरिट किया तो मेरे को ये चारों मेथड इंप्लीमेंट करने पड़े, तो मैंने चारों मेथड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, बट क्या हुआ कि लेट्स से मैं बोल रहा था कि जो मेरा लिक्विड इंक जेट प्रिंटर क्लास है ये सिर्फ प्रिंट ही करेगी। ठीक है, ये सिर्फ ये प्रिंट और स्कैन करने वाली है। ठीक है, ये प्रिंटर ना तो फैक्स करता है और ना ही डुप्लेक्स को प्रिंट करता है। ठीक है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर मैं आई प्रिंटर टास्क को इनहेरिट करूंगा, ठीक है, तो मेरे को ये चारों मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि क्योंकि चार के चार मेथड मेरे उस इंटरफेस में थे, ठीक है, अब इस क्लास को ये दो मेथड को एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा जिसको वो कभी यूज भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लिक्विड इंक जेट प्रिंटर क्या काम करता है, वो फैक्स और डुप्लेक्स प्रिंट करता ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे हमारी क्लास या एप्लीकेशन में क्या हो गया, एक्स्ट्रा कोड ऐड हो गया। ठीक है, सो इट्स नॉट फेयर। तो हमें क्या काम करना चाहिए, हमें तो एक्स्ट्रा कोड लिखना ही नहीं चाहिए, हम क्यों अपनी एप्लीकेशन को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, राइट? तो हम क्या काम करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो ISP प्रोवाइड कराता है, मतलब कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब वो क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल बोलता है कि जो आपकी क्लास इंटरफेसेस होते हैं ना, आप क्या काम करें उसको स्मॉल रखें, मतलब कि क्या काम करें, जैसे एक क्लास में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सारे मेथड्स होने चाहिए, ऐसे इंटरफेस में भी एक इंटरफेस में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ही मेथड्स डिफाइन करने चाहिए और हमारे जो इंटरफेस है वो फैट नहीं होने चाहिए, हमें छोटे छोटे इंटरफेसेस बनाने चाहिए। ठीक है, चाहे हमें मल्टीपल इंटरफेसेस बनाने की ज़रूरत है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। तो मैंने एक क्लास बनाई है एग्जाम्पल विद ISP। एग्जाम्पल विद ISP में मैंने सबसे पहले क्या काम किया, जो मेरे इंटरफेस थे, ठीक है, मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया, मतलब मैंने
पहले एक इंटरफेस के अंदर चार मेथड थे, अब मैंने उसको तीन इंटरफेस में डिवाइड कर लिया। तो पहला इंटरफेस बनाया आई प्रिंटर टास्क, जो कि प्रिंट और स्कैन करता है, ठीक है। सेकेंड इंटरफेस बनाया आई फिक्स टास्क, आई फैक्स टास्क, जो कि सिर्फ फैक्स करता है। तीसरा बनाया मैंने आई प्रिंटर डुप्लेक्स टास्क, जो कि डुप्लेक्स प्रिंट मेथड को यूज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, चार के चार जो मेथड्स थे वो एक इंटरफेस के अंदर ना रख के मैंने उनको तीन इंटरफेस में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया उसको समझ लेते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे एच पी लेजर जेट प्रिंटर क्लास है, ठीक है, वो तो चारों मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंट स्कैन फैक्स और डुप्लेक्स को प्रिंट करती है। तो मैंने क्या काम किया, अगर चारों मेथड को इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने उसके लिए इस इंटरफेस के दोनों मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना है, इस इंटरफेस का एक मेथड एंड देन इस इंटरफेस का एक मेथड, तो मैंने तीनों इंटरफेस को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, राइट। एंड यू नो कि आप मल्टीपल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, पर इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है, तो ये वही है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ पे यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। तो क्या हुआ, इस इंटरफेस के दो मेथड थे प्रिंट और स्कैन, उन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। आई फैक्स टास्क इंटरफेस में एक मेथड था फैक्स, उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया। और आई प्रिंट डुप्लेक्स टास्क, ठीक है, इसमें भी एक मेथड था, वो भी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे एच पी लेजर जेट अब चारों के चारों टास्क परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा लिक्विड इंक जेट प्रिंटर था, ठीक है, अब ये क्या काम करता था, ये सिर्फ प्रिंट और स्कैन ही कर पाता था, ठीक है, ये फैक्स और डुप्लेक्स प्रिंट नहीं करता था। अब जो मेरे प्रिंट और स्कैन मेथड है, ये दोनों मेथड है मेरे आई प्रिंटर टास्क इंटरफेस में, तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, जो मेरा लिक्विड इंक जेट प्रिंटर क्लास है उसके अंदर सिर्फ इस इंटरफेस को ही मैं इनहेरिट करूँगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इस इंटरफेस को इनहेरिट किया है, और इस इंटरफेस के अंदर मेरे पास दो मेथड थे, मैंने दोनों को इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ISP प्रिंसिपल को यूज़ किया, तो मेरे को अब क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ा जिसकी उस क्लास को जरूरत भी नहीं थी, तो मेरे को यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये जो क्या काम होता है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आप देखें कोड एक स्ट्रक्चर वे में कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं है। अगर सपोज कीजिए मैं कह देता कि ये जो लिक्विड इंकजेट प्रिंटर है ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे फैक्स भी कर लेता है, तो मैं क्या काम कर लूँगा, आई फैक्स टास्क इंटरफेस को भी इनहेरिट कर लूँगा और फैक्स मेथड को इम्प्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो जिस मेथड की ज़रूरत होगी उस इंटरफेस को ही हम इनहेरिट कर लेंगे, राइट। अगर हम कहते हैं कि सपोज कीजिएगा हमारे पास कोई एक प्रिंटर ऐसा है जो सिर्फ प्रिंट करता है, स्कैन भी नहीं करता, तो हम क्या काम करेंगे, इस इंटरफेस को भी सेग्रीगेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक इंटरफेस में सिर्फ प्रिंट मेथड होगा, एक इंटरफेस में सिर्फ स्कैन मेथड होगा। अब जो क्लास जिस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी उस इंटरफेस को इनहेरिट कर लेगी, ठीक है। आई थिंक आपको ISP प्रिंसिपल पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज नोट कीजिएगा कि आपके सॉल्यूशन में हमेशा स्मॉल वर्ड को हमेशा फोकस करना। इसका मतलब क्या होता है कि आपके मेथड, आपके इंटरफेस और आपकी क्लास, राइट, जितना इजी जितने स्मॉल होंगे, इसका मतलब क्या होगा, आप अपने कोड को इतने स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट कर पाएंगे, राइट, और उनको मेंटेन करना है, चेंज करना उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये ISP प्रिंसिपल आपको पूरा कम्प्लीटली समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।